सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले नाल कीता वड्डा दावा, कहा हुण दिल्ली दुनिया के सब तो प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल नहीं। राहुल गांधी के निशाने उत्ते मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा मित्र दूजा सब तो अमीर बनाने वाला जादू छोटे व्यापारियों उत्ते क्यों नहीं चलाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का तेलंगाना दौरा जारी। मुख्यमंत्री ने पंजाब के सिंचाई विभाग के अफसरों नाल हैदराबाद में कई प्रोजेक्टों का लिया जायजा। हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले नाल कहा कि दिल्ली दुनिया के सब तो प्रदूषित शहरों की सूची में नहीं है। केजरीवाल ने मीडिया रिपोर्ट तो रैंकिंग का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, लंबे समय बाद दिल्ली दुनिया के सब तो प्रदूषित शहरों की सूची में नहीं है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली वासियों की कोशिश हौली हौली पर यकीनी रूप नाल रंग लिया रही है। दिल्ली नूं वधाई, पर अजे भी एक लंबा रस्ता तय करना। असी दुनिया के सब तो चंगे स्वच्छ शहरों में शामिल होना है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वीरवार को दोष लगाया कि मौजूदा सरकार के मित्रकाल में 76% सूखम लघु और मध्यम उद्योगों को कोई लाभ नहीं होया। उन्होंने कारोबारी दिग्गज गौतम अडानी का नाम लए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्ते सीधे तौर पर व्यंग कसते हुए सवाल किया कि एक मित्र को दुनिया का दूजा सब तो अमीर बनाने वाला जादू छोटे व्यापारियों उत्ते क्यों नहीं चलाया गया। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मित्रकाल की कहानी 76% MSME नूं कोई लाभ नहीं, 72% की आमदन स्थिर रही, घटी या फिर खत्म हुई, 62% नूं बजट तो सिर्फ निराशा मिली। उन्होंने सवाल किया कि जिस जादू नाल एक मित्र नूं दुनिया में दूजा सब तो अमीर बनाया गया, उत्थे ही जादू छोटे व्यापारियों उत्ते क्यों नहीं चलाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तेलंगाना दौरे ते ने अज पंजाब दे सिंचाई विभाग के अफसरों नाल उह तेलंगाना दे हैदराबाद पहुंचे, जिथे उन्होंने धरती हेठले पानी नूं बचाउण दी तकनीक दी जानकारी ली अते डैम प्रोजेक्ट दा निरीक्षण किया। मान सरकार तेलंगाना वांगू पानी नूं बचाउण लई अते इस दी सही ढंग नाल वरतों करन दे माडल नूं बहुत जल्द पंजाब विच लागू करन दी कोशिश करेगी। पंजाब अंदर धरती हेठले पानी दी सांभ संभाल करना मान सरकार दा प्रमुख टीचा नज़र आ रहा है। इस बाबत मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करदे कहा कि पंजाब दे पानी नूं बचाउण लई लगे हुए हैं। नवीं तकनीक की जानकारी लैण लई सिंचाई विभाग के अफसरों नाल तेलंगाना विखे डैम का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि तेलंगाना सरकार वालों धरती हेठले पानी नूं बचाउण लई पिंडां विच छोटे छोटे डैम बनाए गए ने, जिस नाल इत्थे धरती हेठले पानी का पद्धर 2 मीटर तक उत्ते आ गया। उन्हें कहा कि असीं वेख के आए हां ते कम असीं भी करना है। तेलंगाना दे विच उन्होंने की कीता, पिंडां दे टोबे नूं डूंघे करके उन्हां ते डैम बनाते छोटे छोटे, उह भर जांदा तां डैम राहीं मोटर ला के थले सारे पिंड नूं फसल नूं पानी दे दिंदे ने। तेलंगाना दा 2 मीटर पानी धरती वाला उपर आ गया। असीं हुण पहले देख के गए, हुण मैं सिंचाई दे अफसर भी नाल लेके जाऊं, इह भी कम करना, नाले टोबिआं तों खड़ा छुटू। सब तों वड्डी प्रॉब्लम पिंड च टोबिआं दी है, कदे घरां च आ वड़दा पानी मीह पै जाए, कदे खेतां च आ वड़दा पता नहीं लगदा। चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी की अगवाई में चढ़दी कला मीडिया ग्रुप वालों चढ़दी कला टाइम टीवी के फाउंडर डायरैक्टर स्वर्गवासी सतबीर सिंह दर्दी जी की याद में 10वीं सालाना जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस पटियाला करवाई गई, जिस विच पंजाब दे सूचना ते लोक संपर्क मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की। पेश है इस बाबत साड़ी एक रिपोर्ट। पंजाब दे सूचना ते लोक संपर्क विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा ने जोर दे के कहा है कि मीडिया एक निरोए समाज की सिरजना लई अपनी भूमिका निरपक्षता नाल निभाए। अमन अरोड़ा ने अज पटियाला विच चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी की अगवाई में चढ़दी कला मीडिया ग्रुप वालों चढ़दी कला टाइम टीवी के फाउंडर डायरैक्टर स्वर्गी सतबीर सिंह दर्दी जी की याद में करवाई 10वीं सालाना जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस मौके बतौर मुख मेहमान शिरकत कर रहे सन। अमन अरोड़ा जिन्हों को नवी ते नवियाणयोग ऊर्जा मकान उसारी शहरी विकास से प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग भी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठली पंजाब सरकार रंगला पंजाब सिरजन लई मीडिया वालों उठाए मुद्दों को गंभीरता से ले रही है।
ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂ ਵਾਂਗ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਕਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਵਰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵੁਮੈਨ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੁਈਆਂਵਾਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ IAS ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, SDM ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, DSP ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਹਾਕਮ ਥਾਪਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮਸ TV ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲੈਜਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
वह डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। सही मायने दे विच है भी और होना भी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले समय दे विच जो सिस्टम बनिया उहदे विच अज आपां नूं सारयां नूं जिथे मेरे तो पहला विचार चर्चा भी हुई होनी है अज सारयां नूं आपां नूं रल मिल के काम करन दी लोड़ है। पत्रकार कॉन्फ्रेंस दे विच जदों मैं तुहानूं संबोधन हो रहा हाँ तां मैनूं पिछले 60 साल तो ज़्यादा जो संघर्ष का समय है वो याद आ रहा है। 1960 मैं पत्रकारी शुरू की थी, लेकिन पहले जेल जाके की थी। मैं 22 जून 1960 पंजाबी सूबा मूवमेंट में गुरुद्वारा दुखरान साहब तो जथा लैके गिरफ्तार होया, और फिर जो मैं रिहा होया तो मोर्चे दी खबर मैं रोज़ लिखता सी। 1960 अखबारों में मेरिया खबर छपिया, मेरे को कटिंग मौजूद हैं। हिंदुस्तान की पाकिस्तान नाल लड़ाई हुई 1965, उस लड़ाई तो पहला अजीत पाल कोहली दे दादा जी ते मैं असी 22 दिन अमृतसर कैद रहे इंटरोगेशन सेंटर च। बस उस तो बाद मैं पक्का पत्रकार बन गया। और वैसे मैं बेसिकली उदों क्योंकि कैरियर की सिलेक्शन नहीं सी हुंदी, मैं इंजीनियरिंग की थापर विचों, लेकिन मेरा नौकरी विच दिल नहीं लग्या ते मेरे फादर साहब ने अखबार शुरू कर ली ते अज अखबार नूं भी 55 साल हो गए। ये हिंदुस्तान दी अखबारों का जे तुसी इतिहास पढ़ोगे तो सारिया अखबारां देश की आज़ादी के संघर्ष विचों या धर्म के जज्बे विचों पैदा होईयां। इसे तरह ही चढ़दी कला अखबार भी देश की आज़ादी के संघर्ष विचों, क्योंकि मेरे पिता जी फ्रीडम फाइटर सन अते फिर मां बोली पंजाबी लई अते मौजूदा जिस पंजाब दे तुसी कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये पंजाब नूं बनाने वास्ते मैनू 6 साल जेलों में जाना पिया। दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारा रकाबगंज साहब विखे SC/ST फाइनांस कमीशन की तरफों CSR फंड तहत गुरद्वारा साहब में प्लास्टिक दीयां बोतलां रिसाइकल करने लिए क्रशिंग मशीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इस मौके दिल्ली कमेटी के आगू भुपेंद्र सिंह भुल्लर मौजूद रहे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ SC ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CSR ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ MP ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਟਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।
श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के छेवें मुखी और श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार शहीद अकाली बाबा फूला सिंह जी की दूसरी शहीदी शताब्दी समर्पित शहीदी फतेह मार्च अमृतसर पहुंचे जो बाबा फूला सिंह जी के जन्म स्थान देला शीहां मूणक संगरूर तो 12 फरवरी आरंभ होया सी। अते श्री अकाल तख्त साहब विखे पहुँच के संपन्न होया नगर कीर्तन के स्वागत मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के 14वें मुखी सिंह साहिब संत बाबा बलबीर सिंह 96 करोड़ी समेत समूह निहंग सिंह जथेबंदियां कार सेवा संप्रदावों के मुखी संत महापुरख अते वड्डी गिणती में संगत मौजूद रही। इस मौके बाबा बलबीर सिंह ने 12, 13, 14 मार्च में होने वाले समागमों के वेरवे सांझे किए। तो जिहड़े शहीदी जिहड़े प्रोग्राम ने वो 12 तरीक नूं जिहड़ा विशाल शहीदी फतेह मार्च होवेगा अकाल तख्त साहब तो आरंभ होवेगा तो समाप्ति जिहड़ी है गुरद्वारा बुरज अकाली बाबा फूला सिंह विखे होवेगी। 13 तरीक नूं फिर जिहड़े गुरमत समागम होणगे ते 14 तरीक नूं जिहड़ा फिर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब जी के भोग जिहड़े है अकाल तख्त साहब विखे पाए जाणगे ते 10 बजे तो लैके 3-4 बजे तक जिहड़े गुरमत समागम जिहड़े मंजी साहब दीवान हाल विखे होणगे। इंटरनेशनल गतका मुकाबले जिहड़े ने 12 तरीक शाम नूं बुरज अकाली बाबा फूला सिंह जी छोणी निहंग सिंघां बुढ़ा दल विखे होणगे। मैं समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं बेनती करदा आपां 12, 13 ते 14 मार्च नूं हुम हुमा के जिवें आप जी ने सारयां ने शहीदी फतेह मार्च दे विच बहुत वड्डियां हाजरियां लवाईयां ने। मैं धन्नवाद करदा साडे सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी ते साडे बाबा बुद्ध सिंह जी निक्के घुमणा वाले साडे बड़े सत्कारयोग बाबा अवतार सिंह जी दल पंथ बाबा विधि चंद जी जिन्हां दे वल्लों हाजरियां लवाईयां गईयां बाबा गज्जन सिंह जी तरना दल बाबा बकाला साहब बाबा निहाल सिंह जी हरियां वेलां वाले बाबा नागर सिंह जी हरियां वेलां वाले बाबा हरजीत सिंह जी ते बाबा जसविंदर सिंह जस्सी USA वाले जिन्हां नूं बुढ़ा दल ने USA दा इंचार्ज बनाया बाबा साह जी टूटियां वाले महापुरख बाबा नार सिंह जी ते बाबा मेजर सिंह जी दशमेश तरना दल ते बाबा खड़क सिंह जी बाबा अपने बलदेव सिंह जी वल्ला जी सारे ही महापुरख निहंग सिंह जथेबंदियां सारियां ही बाबा रघुवीर सिंह जी ख्याले वाले ते बाबा त्रिलोक सिंह जी ख्याले वाले सारे महापुरख जिन्हां ने वड्डियां हाजरियां लवाईयां उत्थे निर्मले महापुरख माता जी जिहड़े निर्मले भेखदे ने होर सारे ही संत महापुरख हाजरियां लवा रहे सी कार सेवा वाले महापुरख सारियां दा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डरेवाल वालों अज मोगा जिले के पिंड मलके विच किसानां नाल बैठक की गई। दस दिए कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों पिछले दिन ही हनुमानगढ़ विच एक सारे भारत दे जथेबंदियों की मीटिंग की गई सी जिस विच फैसला किया गया सी कि पिंड पिंड जाके लोगों नूं दिल्ली विच लगे मोर्चे दीआं अधूरीआं मंगां नूं प्रवान करवाउण संबंधी जागरूक किया जाए जिस तहत बैठक की गई। डल्लेवाल ने कहा कि 7 मार्च नूं दिल्ली विच किसानां दी कन्वेंशन होण जा रही है जिस विच भारत दीआं समूह किसान जथेबंदियां पहुँच रही ने। देखो असी SKM नॉन पोलिटिकल वालों एक प्रोग्राम लैके चले हाँ पिछली 7 फरवरी नूं मीटिंग हुई है हनुमानगढ़ के अंदर SKM नॉन पोलिटिकल की बहुत वड्डी देश पद्धर की उस मीटिंग दे विच फैसला लिया गया कि जिहड़ियां किसानी अंदोलन जिहड़ा असी पिछे दिल्ली लड़के आए हैं उहदियां अधूरियां मंगां जिवें MSP की गरंटी का कानून लैना साढ़े लखीमपुर के जिहड़े शहीद ने उन्हां नूं इंसाफ दिवाउणा और उहदे दोषियों नूं सजावां दिवाउणियां उहदे नाल नाल किसान की कर्ज मुक्ति और दूजी गल है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार C2+50 के अनुसार किसानों नूं MSP की गरंटी का कानून मिले ये गल्लां ने नाल सब तो वड्डी गल नाल सोचने वाली यह है कि जिहड़े करके पिछे कानून आए जां जिन्ना चिर WTO जो भारत बाहर नहीं आउंदा उन्ना चिर उन्नी देर तक अजिहे कानून बनते ही रहणगे। सो इस गल नूं लैके किसानों का हक मालकियत जमीनों के उत्ते उपर तो लैके थले तिकर कायम होवे ये गल्लां नूं लैके असीं वड्डी लड़ाई लड़न की तैयारी चा साडा 7 मार्च नूं SKM नॉन पोलिटिकल की दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन हो जा रही है जिदे यही एजेंडे हो। अमृतसर में अज दिन दिहाड़े दो अणपछाते लुटेरियां वालों पंजाब नैशनल बैंक में पिस्तौल की नोक उत्ते लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। दसिया जा रहा है कि लोग एक एक्टिवा ते आए सन ते लुट की वारदात को अंजाम देने तो बाद फरार हो गए जिसकी CCTV वीडियो सामने आई है। लुट की घटना तो बाद अमृतसर पुलिस कमिश्नर पंजाब नैशनल बैंक में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया जिस तो बाद मीडिया नाल गलबात करते हुए पुलिस कमिश्नर जसकरन सिंह ने कहा
कि बैंक डकैती की गुत्थी जल्द सुलझा लिया जाएगा। बैंक रॉबरी के 12:10 से दो व्यक्ति आते हैं, सारा असी देखे तो उन्होंने एक व्यक्ति जरा अंदर जाके वो कैशियर तो जरा एक लिफाफा देता तो उन्होंने क्या कैश पाने ली। सो जो अवेलेबल वो को कैश से 22 लाख जो हम हिसाब देख रहा है तो उन्हें वो पा दिता। तो अल्टीमेटली स्कूटी तो दो जने आए थे, एक स्कूटी बाहर सी तो दोवें उस स्कूटी पर बैठ के चले गए और अल्टीमेटली असी उदी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साड़ियाँ जड़िया लगभग 20 टीम जड़िया ने वो डिप्यूट कर दतिया ने जिदे कि वो असी उस इन्वेस्टिगेशन दे विच ले रहे हैं। जेडे पहलू तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो क्योंकि हाले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है की कर रहे हैं वो इत्थे मैं दसना चाहवांगा कि साड़ी सारे ही जड़ी सिक्योरिटी एंगल तो साढ़े जड़िया PCRs ने उन्हां दी एक ड्यूटी रखते हैं। असी डिफरेंट डिफरेंट टाइम के उत्ते उत्थे चैक करते हैं तो इस बैंक के विच भी अज हुण रिकॉर्ड असी देखिया है और 11:30 मतलब वारदात तो 30 मिनट 35 मिनट पहला साढ़े जिहड़े एक ASI उहदे नाल मुलाजम जिहड़े कि साढ़े बीट इंचार्ज सीगे वो आए बैंक वालियां नाल गलबात की है और उन्होंने पूछा भी है कि इत्थे तुहाडे सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने अपने उस रजिस्टर च भी इंदराज पाया भी जी है सिक्योरिटी जी है इतने होनी चाहिए है तुम आप दे उस रखो। वैसे वो चैक करके गए ने लेकिन ये जो पार्ट है वो टेकअप किया जाएगा। टांडा में अज तकरीबन 3 बजे चौलांग टोल प्लाजा उत्ते 2 मोटरसाइकिल सवार स्नैचर ने एक व्यक्ति तो मोबाइल खोलिया। खोह का शिकार हुए बिजली घर कलोनी के वसनीक विकास कुमार ने दसा कि टोल प्लाजा उत्ते बसा में खाण पीण का समान बेचद है। अज जदों दोपहर में मोबाइल उत्ते अपने घरदियां नाल गलबात कर रहा सी तां 2 झपटमार उसका मोबाइल खोह के भोगपुर वल फरार हो गए। इसकी सूचना टांडा पुलिस नूं दित्ती गई है। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच फिलहाल नहीं जांदे आंदे नज़र मारदे मौसम दे हाल ते तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्यवाद।